नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? मजे में हो ना? विद्यार्थी मित्रों, मैं श्वेता मिस राठौड़ महदी पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम वापस इकट्ठे हुए हैं कुछ नया सीखने के लिए। तो क्या आप सब तैयार हो ना? विद्यार्थी मित्रों, इस वक्त हम घर बैठ के ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। आप सब नियमित सारे विषय के वीडियो भी देखते होंगे, सारे विषय का गृह कार्य भी करते होंगे, करते हो ना? इसके अलावा आप सब घर पे रह के स्वस्थ और सुरक्षित रहो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। तो बच्चों, आज हम जो कुछ भी सीखने जा रहे हैं वो साथ में लिखना भी है और पढ़ना भी है। आप सब ने अपने पास हिंदी की किताब, हिंदी की फेयर बुक, रफ बुक और कंपास बॉक्स साथ में रख लिया होगा। तो बच्चों, हमारी कक्षा 4, हमारे विषय का नाम हिंदी। आज के हिंदी के तास में हम क्या सीखने वाले हैं, पता है आप सबको? तो वो है इकाई 6, टपका का डर। इकाई 6 मतलब लेसन नंबर 6, जिसका नाम है टपका का डर। आप सब ने अपनी टेक्स्ट बुक में से ये पाठ निकाल लिया होगा। इस पाठ में हम थोड़ा कुछ सीख चुके हैं, जिसका आज पहले रिवीजन कर लेंगे, बाद में आगे नया सीखेंगे। यहाँ से हमारा पाठ शुरू होता है। हर एक लाइन को मैं पढ़ूंगी और समझाती जाऊंगी। आप सबको ध्यान से सुनना है और समझना है। बरसात का दिन था, चारों ओर पानी बरस रहा था। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। जल्द ही बुढ़िया का घर टपकने लगा। बुढ़िया परेशान हो उठी, परंतु करती भी क्या? छप्पर को छाए कौन? बरसात का दिन था, यानी कि बारिश आ रही थी। बारिश कब आती है? मॉनसून सीजन में। उस सीजन में बहुत बारिश आ रही थी, चारों ओर पानी बरस रहा था। पता है ना आप सबको, जब बारिश आती है तो चारों ओर पानी पानी हो जाता है। हमारे घर के आसपास, पूरे शहर में, साथ में जंगल में भी बारिश आ रही थी, तो जंगल में भी चारों ओर पानी पानी हो रहा था। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। जंगल, जंगल मतलब फॉरेस्ट। बुढ़िया, बुढ़िया का मतलब क्या है पता है आपको? बुढ़िया यानी कि एजेड लेडी, लेडी पर एजेड, तो उनको बुढ़िया कहा जाता है। बुढ़िया लिखा कैसे है? ब को रस्व बू, ढ को रस्व ई लगाकर ढी, नीचे एक बिंदी है, य के बाजू में सीधी रेखा, बुढ़िया। तो
जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। जंगल के अंदर एक बुढ़िया रहती थी। उन्होंने वहां पर एक घर बनाया था अपने रहने के लिए। घर एक झोपड़ी थी। हम जहां भी रहते हैं उसे घर बोलते हैं, पर घर के भी कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि फ्लैट, टेनामेंट, बंगलो, झोपड़ी। ऐसे अलग अलग प्रकार के घर होते हैं, पर सबको हम घर ही कहते हैं, वो चाहे फ्लैट में रहते हो, बंगलो में रहते हो या झोपड़ी में। यहाँ पर ये जो बुढ़िया है, उन्होंने जंगल में एक घर बनाया था खुद को रहने के लिए, पर वो घर किस प्रकार का था? झोपड़ी थी। वो बारिश आने पर सब कुछ तो भीग गया था, चारों ओर पानी भी था, पर उसके साथ साथ ये बुढ़िया की जो झोपड़ी है, जो घर है, वो भी पूरा का पूरा भीग रहा था। जल्द ही बुढ़िया का घर टपकने लगा। जल्द ही जब थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही थी, तब थोड़ा थोड़ा घर भीग रहा था, पर जैसे जैसे बारिश बढ़ती गई तो बुढ़िया का घर टपकने लगा। पहले तो सिर्फ बाहर की ओर घर भीग रहा था, पर जैसे जैसे बारिश बढ़ती गई तो घर के अंदर, यानी कि जो छप्पर होता है, झोपड़ी में ऊपर छत नहीं होती है, वो जो सीमेंट की छत होती है ऐसे नहीं, पर छप्पर होता है, जैसे गुजराती में हम छापरू बोलते हैं ना, रूफ, वैसे। तो वो छप्पर कैसे बनते हैं झोपड़ी में? तो कई लोग वो जो नलिए होते हैं उनसे बनाते हैं, कोई लोग घास होता है उनसे छत बनाते हैं। तो ऐसे प्रकारों की चीज एक करके ऐसे छप्पर बनाते हैं। तो पानी उसके अंदर, घर के अंदर आ रहा था। पानी को जगह नहीं होती है, वो तो कई बार भी आ जाता है। तो जैसे बारिश बढ़ती जा रही है तो छप्पर से पसार होके पानी घर के अंदर टपकने लगा। तो बुढ़िया परेशान हो उठी। परेशान मतलब चिंतित। हमारे घर में अगर पानी अंदर आ जाता है तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है, हम भी परेशान हो जाते हैं, उसको रिनोवेट करवाते हैं। तो यहाँ बुढ़िया भी परेशान हो उठी, परंतु करती भी क्या? उस पूरे घर में बुढ़िया अकेली रहती थी, वो भी एजेड थी और उसकी कंडीशन भी पुअर थी। अभी पानी टपकने लगा तो वो करती भी क्या? छप्पर को छाए कौन? छप्पर मतलब रूफ, यानी कि छापरू। छाए कौन मतलब छप्पर को अच्छे से कौन बनाए? वो तो बुढ़िया है, एजेड है, वो कितना काम कर पाए? यहाँ पर आप चित्र देख सकते हो। ये आप जो देख रहे हो ये बुढ़िया है, यानी कि एजेड लेडी। वो कुछ यहाँ पे पका रही है, यानी कि रसोई बना रही है। ये उसकी पूरी झोपड़ी है और देखो ये छप्पर है। मैंने कहा ना, वो नलिया, माटी के जो नलिए होते हैं उनसे उन्होंने छप्पर बनाया है। और बहुत सारी बारिश आ रही है। यहाँ पर पानी की बूंदी को आप देख रहे हो ना, तो थोड़ी देर में घर के अंदर भी पानी टपकने लगता है। तो इसका चेहरा देखिए आप, वो कितनी परेशान है कि घर के अंदर भी पानी आने लगा है, तो अब वो क्या करे? तो वो बहुत ही परेशान हो गई है। आगे देखते हैं। थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे। थोड़ी देर में बारिश आ रही थी। सबसे पहले थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही थी, फिर बारिश थोड़ी तेज हुई, और उसके बाद तो
तेज बारिश के साथ ओले भी पड़ने लगे। ये ओले क्या है, पता है आप सबको? तो ओले मतलब करा। आप लोगों ने देखा है वो आइस होता है ना, आइस के क्यूब, उसी प्रकार के ओले होते हैं। जब मॉनसून सीजन चल रही होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, तब कभी कभी ऐसे ओले भी पड़ने लगते हैं। ओले मतलब आइस क्यूब, इंग्लिश में उसे आइस क्यूब कहते हैं और गुजराती में उसे करा कहते हैं। बर्फना करा, जैसे आउट ऑफ कंट्री में जैसे स्नोफॉल होता है, वहाँ पे बारिश के साथ साथ वो बर्फ भी आती है ना, उसी तरह बर्फ ना करा, जिसे हिंदी में ओले कहते हैं। तो थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे, बैर बराबर ओले। ओले किसके बराबर? बैर बराबर। बैर मतलब बोर। बोर एक फ्रूट है, पता है ना आपको? बोर आप लोगों ने खाए ही होंगे। तो बोर की जितनी साइज होती है उसी साइज के ओले पड़ने लगे। अभी बोर छोटी साइज के भी होते हैं और थोड़ी बड़ी साइज के भी होते हैं, तो उस साइज के ये ओले पड़ने लगे। अगर हमें कोई बोर मारता है तो हमें दुखता है, तो उसी प्रकार के ओले ऊपर से हमारे पर गिरे तो हमें भी दुखता है ना। उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा। उधर एक बाघ, बाघ मतलब टाइगर, ओलों की मार से परेशान हो उठा। बहुत सारे ओले गिरने लगे थे, तो ये बुढ़िया के साथ साथ जंगल में एक बाघ भी रहता था, तो उसके ऊपर भी बहुत सारी बारिश गिर रही थी, साथ ही में उसके ऊपर ओले भी पड़ने लगे। तो ये बाघ को भी अच्छा नहीं लगा, वो भी परेशान हो उठा था। जल्दी बारिश रुके और जल्दी ही ओले रुके। तो जंगल में ये जो बाघ था वो भी परेशान हो उठा। कूदते फांदते वह बुढ़िया के घर पास पहुंचा। कूदते फांदते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। कैसे पहुंचा? कूदते फांदते, यानी कि बहुत ही तेजी से दौड़ते हुए। कूदते मतलब जंप लगाना। आपको पता ही है टाइगर, लायन, लेपर्ड, ये सारे जो जानवर है बहुत तेजी से दौड़ते हैं। तो यहां पर ये जो बाघ है वो भी कूदते फांदते, यानी कि जंप लगाते लगाते और तेजी से दौड़ते दौड़ते वो एक जगह पर आके पहुंच गया, जहां पर बारिश कम लगती थी, जहां पर उसके ऊपर ओले ना गिरे, ऐसी जगह पर ये बाघ कूदते फांदते पहुंच गया। पर वो जगह कौन सी थी? तो वो जगह बुढ़िया का घर था। बुढ़िया की जो झोपड़ी थी उसके बाजू में ये बाघ दौड़ते दौड़ते पहुंच गया। फिर क्या हुआ? तो फिर बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी। क्या कर रही थी? बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी। अंदर मतलब उसकी झोपड़ी में बैठ के जो चूल्हा होता है उनको जला के वो चावल पका रही थी। हमने अभी आगे चित्र में देखा ना, ये बुढ़िया कुछ पका रही है, यानी कि रसोई बना रही है, तो वो क्या कर रही थी? चावल पका रही थी, राइस। चावल मतलब राइस। चूल्हे पर पानी टपक रहा था। बुढ़िया जब चावल पका रही थी उसने चूल्हे को जगाया भी था, पर उस चूल्हे पर पानी भी टपक रहा था।
जब कोई अग्नि होती है उस पे हम पानी डाल दे तो वो अग्नि बुझ जाती है, वो आग जो होती है वो बुझ जाती है। तो यहाँ पे बुढ़िया ने चूल्हा जगाया और उस चूल्हे पे वो चावल पका रही थी। तो थोड़ी देर में चूल्हे पर पानी टपकने लगा था, कैसे? टप टप। जब भी कोई पानी की बूंद गिरती है तो कैसी आवाज होती है? टप 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 टप। तो उसी तरह से चूल्हा पर पानी टपकने लगा, टप टप। वह झुंझला उठी। कौन झुंझला उठा? बुढ़िया। झुंझला का अर्थ क्या होता है, पता है आप सबको? सोचो सोचो, झुंझला का अर्थ क्या होता है? तो झुंझला का अर्थ होता है क्रोधित होना, यानी कि गुस्से में आ जाना, एंग्री। बहुत ही मेहनत से वो बुढ़िया ने चूल्हे को जगाया था, फिर उस पे चावल पका रही थी। इतनी मेहनत के बाद उस पर पानी टपकने लगा, तो ये जो बुढ़िया है वो झुंझला उठी, यानी कि परेशान हो रही थी, क्रोधित हो रही थी, गुस्से में आ गई वो। और गुस्से में आके ही वो बोली, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा में पूरा सेंटेंस लिखा है, यानी कि पूरा वाक्य लिखा है। गुस्से में आकर वो बुढ़िया क्या बोली? मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। यहाँ पे वाक्य पूरा होता है तो यहाँ पूर्ण विराम भी लगाया है, और जो डबल इन्वर्टेड कोमा किया था वो भी पूरा हो गया है। चलो वापस मैं बोल रही हूँ, मनोमन ही ये बुढ़िया जब गुस्से में आ गई, झुंझला उठी, तब क्रोधित होके वो क्या बोली? मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। टपका मतलब पानी की बूंद, पता है ना, पानी की बूंद। पानी की बूंद को हम हाथ में भी ले सकते हैं, तो सिर्फ इतनी सी छोटी सी पानी की बूंद होती है, पर बार बार उसके घर में वो बूंदें गिर रही थी, अभी तो चूल्हे पर भी गिरने लगी, तो उसकी मेहनत व्यर्थ जाती थी। इसलिए बुढ़िया बोली, मुझे टपका से बहुत डर लगता है। क्या सच में डर लगता है? नहीं, पर उसने जो मेहनत की है चूल्हे को जलाने की, फिर उस पे रसोई बनाने की, वो मेहनत उसकी व्यर्थ जा रही है, इसलिए उसे डर लगता है। फिर एक एग्जाम्पल दिया है उसने, डर। डर कैसा होता है? तो हम, हमारे सामने अगर बाघ आ जाए, टाइगर आ जाए, तो हम क्या ऐसे ही खड़े रहेंगे? नहीं, हम डर जाएंगे, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है उस वक्त। तो बाघ से हम कितना डरते हैं, क्योंकि वो जंगल में रहने वाला जानवर है, वो किसी को भी खा सकता है। तो हम बाघ से कितना डरते हैं। तो यहाँ पर इससे भी ज्यादा एक टपके से ये बुढ़िया इतनी परेशान हो गई है, तो वो ऐसे ही उसने बोल दिया कि मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। ये बाघ से उसने ऐसे ही बोल दिया है, पर बुढ़िया के घर के बाहर सच में बाघ आकर खड़ा है, अभी ही हमने देखा ना। यहाँ पर वो परेशान होकर बोल रही है कि मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। देखो ये यहाँ बोल रही है, और बाघ तो बाहर सच में आ गया है, बुढ़िया को तो पता भी नहीं है, वो तो ऐसे ही बोल गई, क्योंकि ये टपका से इतनी परेशान जो हो गई है। तो यहाँ पर तो सच में बाहर बाघ आके बैठा है, क्या वो ऐसे ही बैठा है, ये बात सुनने के लिए आया था? नहीं,
वो आया है, वो ओलों की मार से परेशान हो गया है, बारिश से परेशान हो गया है, इसीलिए वो यहाँ पे आके बैठा है। जैसे ही वो आके बैठा और बुढ़िया ऐसे ही बोल उठी और झुंझला उठी। परेशान होकर वो बोली कि टपका से मुझे इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। और ये बातें बाहर बैठा बैठा बाघ सुन रहा है। तो बाघ क्या सोचता है, चलो मैं दिखाती हूं आपको। बाघ सोचता है, बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती मगर टपका से डरती है। जैसे ही बाघ बाहर बैठा था और उसी समय पर बुढ़िया भी बोली, और ये बुढ़िया की सारी बातें बाघ बाहर बैठा बैठा सुन रहा था। सुन के उसने सोचा, किसने, बाघ ने। बाघ ने सोचा, बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती मगर टपका से डरती है। यहाँ टपका का मतलब है पानी की बूंद। बार बार घर के अंदर पानी की बूंद आ रही है तो बुढ़िया सिर्फ उससे परेशान है। वैसे वो डरती नहीं, पर परेशान होकर उसने बोल दिया कि मैं टपका से डरती हूँ। यहाँ बाघ को नहीं पता है कि टपका क्या है। वो नहीं जानता कि टपका मतलब पानी की एक बूंद। फिर बाघ ने आगे क्या सोचा, जरूर टपका मुझसे भी बड़ा कोई जानवर होगा। बाघ को नहीं पता है कि ये टपका मतलब पानी की बूंद। तो उसने बुढ़िया की ये बात सुनी ना कि बाघ से भी डर नहीं लगता है पर टपका से लगता है। तो बाघ को ऐसा लगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो मुझसे भी बड़ी है, और ये बुढ़िया मुझसे नहीं डरती पर उससे डरती है, तो कोई जानवर होगा जो ये बुढ़िया डरती है। तो बाघ ऐसे ही सोच में पड़ गया और सोचता है कि ये बुढ़िया जो है मुझसे तो नहीं डरती मगर टपका से डरती है, तो ये टपका जरूर कोई बड़ा जानवर होगा। तो बच्चों अभी देखो यहाँ पे कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। अगर बुढ़िया ये नहीं बोली होती तो बाघ अंदर आके बुढ़िया को खा जाता, परंतु बुढ़िया ऐसे बोली जिससे बाघ भी डर गया। वो क्या सोच रहा था कि जरूर टपका मुझसे भी बड़ा कोई जानवर होगा, तब भी ये बुढ़िया डरती है। बस इतना सोचते ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। सिर या सर, इसका अर्थ क्या होता है, हेड। बाघ एकदम से डर गया कि जंगल में सब लोग मुझसे डरते हैं और ये बुढ़िया मुझसे नहीं डरती पर टपका से डरती है, ये टपका भी कोई जानवर होगा, वो भी मुझसे बड़ा। तो बाघ को लगा ये टपका ये जो जानवर है वो मुझे खा जाए उससे पहले मैं यहां से चला जाऊं। पर यहाँ टपका तो कोई जानवर है ही नहीं, वो तो पानी की एक बूंद है। वो तो बुढ़िया बहुत ही परेशान हो गई इसलिए उसने ऐसा बोल दिया, पर यहाँ पे बाघ कुछ अलग ही समझा। और क्या किया उसने, सिर पर पैर रखकर भाग गया। सिर पर पैर रखकर भागना मतलब तेज गति से दौड़ना। सिर पर पैर रखकर कोई भाग सकता है, दौड़ सकता है, नहीं। परंतु ये एक मुहावरा है, वो कहते हैं ना कहावत, तो उसी प्रकार ये कहावत है कि सिर पर पैर रखकर भागना। तो यहां पर बुढ़िया भी बच गई। अगर ये ऐसा नहीं बोली होती और बाघ को पता चलता कि इस घर के अंदर कोई है तो बाघ उसको शिकार बना देता।
पर ऐसे ही सोचते बाघ ने क्या किया, सिर पर पैर रखकर भाग दिया। जो आप देख सकते हो कितनी तेज गति से ये बाघ है वो दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। सच में सिर पर पैर रखकर हम नहीं दौड़ सकते, पर ये एक मुहावरा है कि सिर पर पैर रखकर दौड़ना, यानी कि तेज गति से, बहुत ही स्पीड से दौड़ना। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा पाठ जो है वो खत्म होता है, यानी कि पूरा हो गया है। इस पाठ को हम पहले से एक बार देख लेते हैं। अभी आपको समझ में आया कि इस पाठ में क्या कहा जा रहा है? तो एक बुढ़िया है, वो जंगल में रहती है, वो बहुत ही गरीब है, अकेली रहती है और बहुत ही गरीब है, बहुत मेहनत करती है, कष्ट सहन करती है, और एक झोपड़ी बना के वो जंगल में रहती है। बरसात के दिन थे, उसमें एक दिन बहुत सारी बारिश आई, बारिश बढ़ती जा रही थी, धीरे धीरे ओले भी गिरने लगे, और ओले मतलब करा, ऊपर से नीचे आते हैं तो वो टप 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 ऐसे आवाज़ होती है ना, फिर बारिश भी बढ़ने लगी, तो पानी को कहाँ जगह चाहिए होती है, वो तो कहीं पर से भी निकलता है। तो छप्पर में से पानी घर के अंदर आ रहा था, टप 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 टप। तो उसी जगह पर ये बुढ़िया ने चूल्हे को जलाया था और वहाँ चावल पका रही थी। धीरे धीरे उस चूल्हे पर भी पानी आने लगा, तो वो बुढ़िया है वो एकदम से गुस्से हो गई, क्रोधित हो गई। फिर क्रोध में आके वो बोली, मैं टपका से इतना डरती हूँ जितना बाघ से भी नहीं। उस दौरान ओलों की मार से परेशान होकर बाघ भी बुढ़िया की झोपड़ी के पास आके पहुँच गया, और जो बुढ़िया बोली वो बाघ ने भी सुन लिया। ये सुनते ही बाघ ने सोचा कि ये टपका कोई नया जानवर होगा जिससे ये बुढ़िया डरती है, जंगल में कोई नया जानवर आया होगा तो वो मुझे खा जाए, मुझसे भी बड़ा लगता है तो वो मुझे खा जाए, इससे पहले मैं यहाँ से भाग जाऊँ। तो वो सिर पर पैर रखकर इतनी तेजी से वो दौड़ रहा है बाघ, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस पाठ से हमें क्या सबक मिलता है? तो यही कि कुछ भी हमारे सामने आ जाए हमें उसका सामना करना है। यहाँ बुढ़िया को नहीं पता था कि बाहर बाघ आके बैठा है, पर उसके एक वाक्य से वो बच गई, यानी कि बाघ ने उसका एक वाक्य सुन लिया और वो चला गया, तो इस कारण बुढ़िया भी बच गई। अभी हम पहले से पूरा पाठ देख ले। टपका का डर जो यहाँ से शुरू होता था, आज पूरे पाठ की समझूती हमने देख ली है, आप सबने अच्छी तरह से समझा भी होगा। तो अभी क्या करना है? तो आप सबको ये जो पाठ है ये अच्छे से पढ़ना है और लिखना है। तो आज का गृह कार्य क्या है? इकाई नंबर 6, टपका का डर, वन टाइम इन फेयर बुक, वन टाइम इन रफ बुक। तो आज का ये गृह कार्य है वो आप लोगों को लिख लेना है और दोनों ही बुक में एक बार लिखना है। आज के हिंदी के तास में हमने ये पाठ सीखा है, उसकी समझूती देखी है, आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के हिंदी के तास में
आप सबने अच्छे से सुना, इसलिए मेरी ओर से आप सबको धन्यवाद। हम वापस मिलेंगे अगले तास में कुछ नया सीखने के लिए। तब तक आप सबको थैंक यू और अपना ध्यान रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। गुड बाय एवरीवन।